छतरपुर में बदमाश बेखौफ हैं। ओरछा में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला अपने पति को बचाने गई थी, तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छतरपुर में सरेराह एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना ओरछा थाना की है। मिजाजी लाल अपनी पत्नी के साथ धमाची गांव से छतरपुर आ रहा था, तभी तीन बदमाशों ने उन्हें रोका और पुराने विवाद पर मारपीट करने लगे। पति को बचाने आई पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। इस बीच पति जैसे ही ग्रामीणों को बुलाने गया, तभी बदमाशों ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। पति ने आरोप लगाया है कि सूचना देने के बाद भी पुलिस देर से पहुंची, जबकि घटना स्थल से कुछ ही दूर पर थाना है। वहीं पुलिस को घटना स्थल से कारतूस के खाली खोखे मिले हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम धाम जी से छतरपुर आ रहे थे, तो इतने में तीन लोग हमारे सामने आए अपाची से। हम अपनी रास्ता से आए थे, उल्टी रास्ता से आए, और वे तो सीधे आए से बोले तुमने हमारे भाई को मारा। वे हमारे तरफ झुकने लगे, ले गए डंडा। तो हमारी मैडम बैठी थी पीछे, सुबह यहीं से वांगे हो गए, और जैसे वो बीमार ले हम भाग धरे। फिर उनने गोली चला दी, गोली चलाई हमारे ऊपर चलाई, मैडम हमारा। फिर हम भाग धरे सो कैंडी गए, कैंडी के हमने आदमन है बताओ। सो आदमन ने एक दूसरे आदमी है जगह होते, सुबह 10-12 आदमी आए, सो सब जोड़ के। फिर उन्हें पुलिस को फ़ोन लगाओ, और हमारे भैया ना लगाओ और रिश्तेदार ना लगाओ, फ़ोन लगाओ। फ़ोन लगावे के बाद फिर देख भी आ गए, हमने चलो तो डरी है, उन्हें पकड़ लो, बड़े जन ने पकड़ लो। सो देख भी आ सुबह ख़त्म हो गई। फिर देख के हम और फिर पीछे चले गए। फिर सो नम्बर पुलिस आ गई, फिर कहीं आ गए हम और दोबारा। फिर सब फूस गिरी, हमारी दुश्मनी नहीं है भाई सब। पुलिस एक घंटा बाद आई, अब अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए मिट्टी भेज दी थी। ये है केड़ी के ब्रिज के पास को मामला, 10 बजे के लगभग है, 10:30 हो गए। कल रात में लगभग 10:45 के आसपास की घटना हो गई है, जो धामची थाना ओरछा रोड के अंतर्गत आता है। वहाँ पे कैडी पुल है 4 लेन में, वहाँ पे हैंडर डायल के पहले सूचना प्राप्त हुई, फिर इमीडिएट हमारे थाना प्रभारी के पास भी सूचना प्राप्त हुई कि किसी महिला की मार के हत्या की गई है। गंभीर मैटर था। SP सर्वेलर सभी रात में ही स्पॉट में गए थे, और इसमें प्राइमा फेसी समझ में आया है कि तीन लोग अपोजिट साइड से आए हैं, और जो फरियादी है इसको रोका है और उससे कुछ बातचीत करी, उसको धमकाया तो वहाँ से भागा है गांव की तरफ और लोगों को बुलाने के लिए। इसी बीच उसकी वाइफ को उन्होंने मर्डर कर दिया। ये तीन लोगों के खिलाफ अज्ञात कायम किया हमने, और ये फायर आर्म से हत्या की गई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।